हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। आज मैंने ली थी स्वेटर, ग्रे कलर की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, पार्टी वेयर थी। मेरे को चाहिए हुई थी तो मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ले ली। यहाँ पर हमारे घर पे आया था कश्मीर, तो वो कश्मीर से ही शॉल लेके आते हैं, हमारा फिक्स है, हम लोग उन्हीं से ही लेते हैं। और यहाँ पर मेरे को 3 शॉल चाहिए थी और 3 मेरे को स्टॉल चाहिए थे, तो मैंने खूब सारे तो पजामे लिए भैया से, और इतनी सारी मैंने स्टॉल ली। मतलब तो बहुत जद भी आते हैं ना, तो मैं उनसे ना कुछ लेती हूँ, उन्हें ऐसे नहीं भेजती। मैंने कलरफुल इतने सारे पजामे लिए थे, पजामा का फैब्रिक कितना प्यारा था, अंदर से एकदम मोटा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा पसंद आया। डिजाइन अलग, नहीं 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 ये थोड़ा डिफरेंट ही है। ये कौन किसका है ये दिखाओ, ये नहीं ये डिफरेंट है, इसमें लाइनिंग है ना। हम जूस के हैं, दो ही, ये कितना 3, ये कितना 4, पजामे वो 3 वो, ठीक है ना। दो ये सॉक्स, दो ये मोजे, ये नहीं गुलाबी कलर नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। नहीं 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 ये भी नहीं, नहीं रेड भी नहीं। हाँ ये गरम है लेकिन, हाँ ये गरम है लेकिन नहीं रेड नहीं, मेरे को खुद को नहीं, चटक कलर है बहुत ज़्यादा। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ ये भी इधर कर दो, मैं फ़ोन कर दूँगी फिर आपको। ये भी अच्छा है, ये थोड़ा ऐसा कड़क में कैसे, ये सॉफ्ट नहीं है, कम रेट वाला है, रेट में ये भी रख दो इधर। और ये वाला स्टॉल, इसका फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मैं मेरी सिस्टर को इसे बोल रही थी ये वाला भी ले ले, इसका फैब्रिक अच्छा है। फिर मैंने कहा कि भैया और दिखाओ अगर कुछ इस टाइप के है तो। फिर मैंने ब्लू कलर का एक स्टॉल लिया था, एक ब्लैक लिया था, रेड मेरे को चटक कलर मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मैं मतलब वो चटक कलर था, रेड रेड अच्छा लगता है। फिर हमने एक पुराना स्टॉल था हमारा, भैया को दिखाया कि देखो अब तक चल रहा है, उनका जो पहले वाली जो चीज़ थी वो चीज़ थी, अब ऐसी नहीं आती, उनका आती है आपके पास। तो फिर हमें एक ब्लैक कलर का स्टॉल इतना ज़्यादा पसंद आया, वैसे हमने 3 लिए थे, ब्लू कलर के, एक मैरून, इतना प्यारा। फिर मैंने कहा ये देखो ये अब तक चल रहा है, मैंने कहा ये पुरानी चीज़ है, बोले अब की चीज़ों में और पहले की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने लग गया है। लेकिन हमें इन भैया के चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आती है, स्टॉल वगैरह, तो मैंने तो इनसे इतनी सारी ख़रीदारी की। 3-4 तो मैंने शॉल लिए थे, 3-4 मैंने स्टॉल लिए थे, मैंने सबके लिए ले डाले, मैंने मुझे इतने पसंद आए। और मैंने कहा कि आपके पास अगर शॉल है तो और दिखाइए हमें उनका, अभी तो इनमें यही वेराइटी है। फिर इधर से मेरी मम्मी आ गई, उन्होंने कहा कि आपकी हो गई क्या शॉपिंग, मैंने कहा हाँ बस हो गई, थोड़ी सी बची है। मेरी मम्मी बोल रही थी क्या क्या लिया, मैंने कहा मम्मी मैंने 3-4 स्टॉल लिए थे, शॉल लिए थे, पजामे लिए थे, ये कश्मीरी टाइप की शॉल है, इधर भी आने लगी, वरना ये कश्मीर में मिलती थी, इतनी प्यारा फैब्रिक, इतना अच्छा मस्टर्ड कलर था, और ये ना मैरून कलर का जिस पर बात कर रही थी, ये स्टॉल भी मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आया ना, ये मैंने मेरी बड़ी वाली सिस्टर के लिए अच्छा डाला, मतलब मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया था, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ ले डाला, मतलब अच्छा लगता है। भैया आए थे, मैंने इतना सारा सामान ये ले रही है क्या, तो भैया भी खुश हो गए, मतलब वो जब भी आते हैं उन्हें मैं कभी भी ऐसे नहीं भेजती, नहीं ब्लैक तो तेरे को पता है हरदम लेके ही भेजती, थोड़ा सा ले लूंगी जरूर। यहाँ पर मेरी दी गई थी शॉपिंग, यहाँ पर वो चुड़िया लेके आई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी देख कैसी है, और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी वो मेरे लिए लेकर आई थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर वो 2 सेम चूड़ियाँ लेके आई थी, दोनों बहुत ही प्यारी थी, एक अपनी सास के लिए, एक खुद के लिए, एक मेरी सिस्टर के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और कलरफुल थी, और यहाँ पे चाकू, और यहाँ पे ये कुछ पपड़ी थी और नमकीन थी, खट्टी मीठी, बहुत ही अच्छा लगता है, सेम चूड़ा बोलते हैं इसको। और इतनी ज़्यादा वैरायटी में वो लोग इतना सामान लेके आए, और यहाँ पे वो लोग बोल भी रहे थे कि तू देख ले तेरे को कैसे अच्छे लगे, तो फिर हम लोग गवर्नमेंट का इतना सारा तो आप लेके आ गए,
और कुछ क्या बाकी रह गया अभी आपका? उन्होंने कहा नई शॉप ओपन हुई है तो उनके पास खट्टी मीठी नमकीन है, सेव चूड़ा है और पपड़ी है। उन्होंने गुले बताए थे मैं मूंगफली के, और उन्होंने वो कहा था कि वो सेव चूड़ा और दूसरी वैरायटी में एक और आता है वो वाला भी था उनके पास, मतलब कई वैरायटी में था। तो मेरे को बच्चों के लिए ये खट्टी मीठी वेफर्स इतने अच्छे लगे, ये दी ने कहा ये वाली टेस्ट करके देख। मैंने कहा हाँ मेरे को ये भी अच्छी लगी, और ये वाली चाय के साथ में आप ले सकते हो। मैंने कहा हाँ नहीं सारी अच्छी है। और उन्होंने कहा कि नमकीन में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, पतले भुजिए थे, मोटे वाले भुजिए थे, और यहाँ पे वो दही बड़े लेके आई थी बट मैं नहीं खाने वाली। और यहाँ पर हमारा छोटा सा नहीं, मेरा बड़ा भांजा है तो उसके लिए मेरी दी जी पैंट लेके आई थी उसके लिए, मतलब फॉर्मल में लेके आई थी। और ये बाबू मुझे दिखा रहा है, छोटा सा बाबू है हमारा मेरी दी का लड़का, तो वो मेरे को ये लाइट दिखा रहा था, मतलब मेरे को भी अच्छी लगी, इतनी सी लाइट थी। तो वो कह रहा था कि आप मासी ये लाइट देखो कितनी प्यारी है, मैंने कहा कहाँ से लेके आए? कि ना मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, मैंने कहा वाओ कितनी अच्छी है। और यहाँ पे मैं खोल के देख रही इसमें क्या है, तो इसमें मटरी मेरे को दिखी, मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं खा सकती, मेरी दवाई चल रही है अभी, मेरे को फीवर और मतलब खांसी जुकाम हो गया था इसलिए मैं नहीं खाती। और यहाँ पे कचौरी ये समोसे, इनको देख कर तो मुझसे रह ही नहीं गया, मतलब थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक वाइट ले ही लेती हूँ, फिर मेरी सिस्टर ने कहा एक वाइट और ले ले आज आज ले ले, मैंने कहा नहीं डॉक्टर अंकल मेरे को डांटेंगे बोलकर। तो और यहाँ मेरी दीदी जाने वाली है तो यहाँ उनका सारा सामान मुझे पैकिंग करना है, यहाँ अचार स्ट्रॉबेरी ये थोड़े गमले इतनी सारी चीज़ें उसकी पैकिंग करनी थी। मेरे को ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ। फिर दीदी के पाइनएप्पल भी थे, मतलब डॉक्टर ने उनको बताया था कि ये पाइनएप्पल खाना चाहिए, और मैंने कहा संतरे भी दी आपको डाल दो। और यहाँ पर मैंने ऑयल मंगाया, आयुर्वेदिक ऑयल है, मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सजेशन दिया था 350 के लगभग, थोड़ी सी इसकी रेट वो कॉस्टली है। ये नीली भृंगराज ऑयल है, इतना अच्छा है, मतलब आप देखोगे ना ये ऑयल मतलब एकदम जमा हुआ आता है, बट इसको ना गर्म पानी में गुनगुने पानी में इस बोतल को दे दो या फिर धूप में रख दो, जितना आपको चाहिए छोटी सी कटोरी लो आपको लगाना है, इतना ज़्यादा कॉस्टली उसके अंदर डाल लो, फिर अपनी फिंगर से अपने ना सर के अंदर अच्छे से मसाज कर लो। मैंने तो अपने स्केल में इतने एकदम अच्छे से रात को मतलब सोते वक्त मैंने रात को मसाज कर ली थी, फिर सुबह मैंने उठते ही वॉश कर लिया, और मेरे बाल सच्ची बताए इतना अच्छा रिव्यू था मेरे बालों का, मतलब नेचुरली मेरे बाल एकदम ब्लैक दिखने लग गए, मतलब ब्लैक तो थे ही पहले से ही मेरे, लेकिन इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। मेरे फीवर हो रहा था तो मेरे को ना हलवा खाने का इतना मन कर रहा था, तो लेकिन मैंने बाहर से थोड़ा सा मंगवाया था, घर पे कोई खाता नहीं है इसलिए, क्योंकि हम लोग घर पे ही बनाते हैं एग्जैक्टली, इस बार हम ना घर पे नहीं बना पाए क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब थी, और आपको पता है मौसम ऐसे ही चल रहा है जनवरी का मौसम कैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 वाइट लिए और उसमें से भी मैंने हाफ वाइट खाया क्योंकि मम्मा ने कहा था कि ज़्यादा मत खाना तबीयत ख़राब हो जाएगी, और मुझे अच्छा भी नहीं लगा, बाहर का मतलब कम ही मेरे को सूट होता है, घर की बनी हुई चीज़ें मेरे को अच्छी लगती, तो मैंने हल्का सा वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए टेस्ट किया था, बट अच्छा था हलवा लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितना। नेक्स्ट टाइम मैंने बनाया गाउन, मेरे पास सिलाई आ चुकी थी, मतलब मेरे को अर्जेंट में गाउन बनाना था, तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट ले रही हूँ कपड़े का, तो मेरे को मतलब बनाना था अर्जेंट में, तो मतलब मेरी भतीजी थी वो मुझे परेशान भी कर रही थी, और कपड़ा इतना कम था मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे फिक्स करूं। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया आराम से, फिर मैंने इसको काटा, फिर इसकी आस्तीन थी ना वो एकदम से कम पड़ गई, फिर मैंने ऐसे सोचा अब मैं क्या करूंगी, तो यहाँ से साइड में से कपड़ा निकला, उसके मैंने 3-4 जॉइंट लगाए, जॉइंट लगाने के बाद मैंने बनाया। फिर मेरी भाभी ने कहा अगर यही काम टेलर करता ना तो वो नहीं बना पाता, बोलता कि आपका कपड़ा आप ही रखो, ये ना घर पे लड़के ही कर सकती है टेलर नहीं कर सके, क्योंकि टेलर को करते हुए ना जोर आते हैं, मतलब ऐसे काम कुछ टेलर डाल भी देते हुए बोले, मतलब कुछ टेलर इतने आलसी होते हैं नहीं करते नट देते, तो इतना प्यारा है ये गाउन बन के आया है ना, मतलब इसके अंदर मतलब जोड़ जोड़ बहुत ज़्यादा थे, जॉइंट इतने ज़्यादा आए ना कि मैं समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से इसे ख़त्म करूँ कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ, और कपड़ा था इतना कम पड़ता जा रहा था। तो चलो अभी आगे देखते इसकी कटिंग। अभी मुझे लेना है जॉइंट के लिए कपड़ा, यहाँ से मैंने उठाया जॉइंट के लिए कपड़ा,
और यहाँ मैं जॉइंट लगा रही हूँ। यहाँ मैंने दो जॉइंट लिए और यहाँ पर हम दो जॉइंट को ऐसे जोड़ देंगे। अभी मैं इसे सर्कल राउंड में ऐसे काट लूँगी इसको अच्छे से। अभी देखना आप, मैं अच्छे से इसको अच्छे से शेप में कट कर लूँगी। इतना इसको मोटा कपड़ा था कि मुझसे तो इस पर कैंची चल ही नहीं रही थी, और लेकिन मेरी वॉइस थी खराब हो चुकी थी, मेरा गला खराब हो रहा था, इसलिए कैंची चलाते हुए इतना जोर आ रहा था, चल ही नहीं रही थी, और फाइनली ये कट हो गया। यहाँ पर मेरी भतीजी लेट गई, ऐसे बोली मैं ना भू आपको काम नहीं करने दूंगी, ऐसे इसको पकड़ के इसको मस्ती सूझ जाती ना, फिर कुछ ही नहीं दिखता इसको। ये मुझे सिलाई नहीं करने दे रही, कैंची लेके भाग गई है, और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े पड़े हैं, मैं कैसे स्टिच करूंगी। और यहाँ पे मैंने ये गाउन काट कर इस पर भी ये जाकर बैठ गई थी मैडम। अब यहाँ पर मैं कोटी रेडी कर रही हूँ, और मैं फेविकॉल से ही अस्तर को चिपकाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसका अस्तर कट कर लिया है, तो बस अभी जल्दी से अपन इनका अस्तर चिपका लेते हैं। मतलब दोनों कोटी को अच्छे से मतलब अस्तर बिछा लेंगे और उसके ऊपर इसको अच्छे से चिपकाएंगे। और मैंने बनाया इसका न्याव गला, और यहाँ से मैं जल्दी जल्दी इसका अस्तर चिपका रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और यहाँ मेरी भतीजी ना आ जाए। मतलब मेरी भतीजी आ जाती है, मैं उनको सिलाई नहीं करने देती है, मशीन के वो पकड़ कर खड़ी हो जाती है मेरे पास। और ये एक तो चिपक चुकी है, अभी मैं दूसरा वाला चिपका रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से चिपकाया, और ये इजीली इसे चिपक जाता है। मतलब कहीं पर भी सलवटे वगैरह कुछ भी नहीं आती, इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। और फिर ना मैं परेस कर लेती हूँ उसके, मतलब इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी के ऊपर नहीं करती, मतलब एम्ब्रॉयडरी के ऊपर करते ही चिपक जाती, वो तो सबको पता है। मतलब कॉटन का अस्तर मैंने इसके अंदर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा था, और यहाँ पर मैंने ये बुकरम भी कट कर ली थी। बुकरम को मैंने अच्छे से इसको चिपका ली थी परेस से। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब मेरे पास टाइमिंग कम था, और यहाँ पर मैं मतलब न्याव गला बनाने वाली हूँ, और इतने अच्छे से मेरा न्याव गला बना, और फिनिशिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी आई थी, आप देख सकते हो। मतलब मैंने इतने प्यार से बनाया था इसको, मतलब अर्जेंट में ही देना था ये मेरे को। ये फिर आपको पता है ना, मतलब उनके यहाँ शादी थी और उनको जल्दी चाहिए था, तो और मेरे को भी फिर जाना था मतलब बाहर शॉपिंग करने के लिए, मेरे ननिहाल में भी शादी थी, तो इसलिए हम जल्दी से इसको बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। अभी इसके मैं लगाऊंगी गुटके, आप बोल सकते हो, इसके अंदर कटिंग दे दूंगी ताकि इसको जब हम उल्टेंगे तो अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। और यहाँ पर मैं एक मोटा टांका लगा दूंगी ताकि मैं तुरपाई करूँ ना तो अच्छे से मेरे फिनिशिंग आए। और मेरी फ्रेंड लोग बोलती है तुम कब अपना स्टिच का वीडियो बनाने वाली हो। इस बार मैंने अपने पूरा स्टिच का वीडियो बनाया था, मतलब उसने उन्होंने कहा कि कभी तो तू डालना हम देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो रही थी। तो प्लीज इस बार मैंने डाला है तो आप लोग देख लेना। और यहाँ पर मैं शोल्डर को ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मतलब जो फ्रंट वाला गला था वो रखा, फिर बैक साइड वाला रखा, और यहाँ पे यहाँ मैंने टांका लगा दिया। और यहाँ पर ये कोटी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर आप बीच में गुटका लगाएंगे इसके ताकि ये इधर से इधर ना जाए। तो यहाँ पर मैंने बीच में निशान लगा दिया, और वहाँ पर मतलब नीचे का जो घेर था उसके भी मैं निशान लगा दूंगी ताकि अच्छे से इसकी यहाँ फिक्स आ जाए। अभी मैंने यहाँ मतलब फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, मैंने थोड़ी फिटिंग कर ली थी, और ये देखिए ज्वाइंट भी मैंने लगा लिया। अभी यहाँ मैं कितनी कमर है उसकी, कमर थी उसकी 30, तो मैंने यहाँ उस हिसाब से मैंने ये लगा लिया निशान, और यहाँ से मैंने लगा लिया। लेकिन उसने पहन के मेरे को दिखाया भी था और उसके इतना अच्छा लगा, और मतलब फिटिंग भी अदरवाइज के फिक्स भी आई थी। मतलब मैं मेजरमेंट सही लेती हूँ, मतलब कुछ लोग होते हैं यहाँ से ढीला कर दिया वहाँ से ढीला कर दिया, वो काम मैं नहीं करती। मतलब मुझे फिक्स, अगर कुछ लोग जिद करने लग जाते नहीं हमारा तो नाप लिख कर ही बनाओ, मैंने कहा यहाँ तो मेरी तबीयत खराब है और आपको यहाँ ये सब दिख रहा है। तो बस यहाँ पर इतनी ये छोड़ मेरा दो गाउन छोड़ दी। बस जल्दी से कंप्लीट होने ही वाला था। में बड़ा हरी गया, ओ बाप रे, ये देखो मैंने पूरा स्टिच कर लिया है।
अभी सबसे लास्ट में हम लगाएंगे आस्तीन। ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है आस्तीन में भी। आस्तीन में भी मैंने अस्तर लगाया था, यहाँ पर मेरी आस्तीन लग चुकी है और मतलब मैं दूसरी वाली आस्तीन को स्टिच कर रही हूँ। इतनी प्यारी फिनिशिंग आई है आस्तीन में, आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनकर ये पैटर्न आया है। मतलब आस्तीन भी मैंने इतनी मुश्किल से बनाई थी, मैंने कहा थोड़ा सा कपड़ा मिल ही जाए, मैं कैसे ना कैसे इसको एडजस्ट कर लूँगी। अभी पूरी तरह मेरा गाउन बन चुका है, तो चलो इसको ना सीधा करके देखते हैं ये कैसा बना है, और मैं आप लोगों के सामने दिखाती हूँ कि आप लोगों को कैसे लगा। और कमेंट में मुझे बताना कि मैंने कैसे स्टिच की और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अभी देखिए मेरा गाउन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।